अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम ढूंढ के बच्चे को पूछे अपराधी। हाँ, मैंने किया ये अपराध, मैंने किया ये गुनाह। आज तक मैं किसी के नजरों में नहीं आई और आज भी नहीं आती अगर ये संत अपनी चतुराई नहीं दिखाती। बहुत महान बनने का शौक है नहीं थे। केदार के भेस में आई थी। क्यों आई थी तू वहाँ? इसे क्या पता कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ? केवल तुम ही नहीं बहना, बाकी सारे लोग यही सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैंने वो नहीं माना जो तुम दिखाना चाह रही थी। मेरा मन कह रहा था कि मेरी मुंगी ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने असली अपराधी को 24 घंटे के अंदर लाने का प्लान किया। इसी बीच में नाना जी के घर जब गई तो मैंने वहां केदार को देखा। इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाती वो वहां से भाग गया। फिर मैंने उसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। मुझे ये पता चला कि वो असली अपराधी के हाथों कुड़ियार माँ की पूजा के बीच 5 लाख रुपए लेने वाला है। इसलिए पूजा में मेरी नजरें केदार को ही ढूंढती रही। मैं सावधान थी और फिर दूर मैंने कुड़ियार माँ के कुएं के पास केदार को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा और मैंने जाकर मालिक के आदमियों को बता दिया। मालिक के आदमियों ने केदार को पकड़ लिया। पर मुझे अब भी असली अपराधी की तलाश थी, इसीलिए मैंने वो कंबल खुद पर ओढ़ लिया और मैं वहीं बैठ गई। क्योंकि मैं जानती थी कि असली अपराधी मुझे केदार समझ के पैसे देने जरूर आएगा और ऐसा ही हुआ। असली अपराधी मेरे सामने आ ही गया। जो हुआ वो तो हुआ, पर बात तो बदली नहीं ने। तेरी छोटी बहन नहीं तो मोटी बहन अपराधी निकली। दुख तो उसी बात का है ना, ये मेरा सबसे पुराना सबसे वफादार नौकर माधो सोलंकी की दोहित्री निकली ना अपराधी। परिवार छे कि नहीं, माधो सोलंकी की दोनों दोहित्रियां मेरे परिवार को नष्ट करने पर तुली हुई है। भैया तू बता मैंने तूने ऐसा किया क्यों? अरे उत्तर देने मेरा प्रश्न का। पहले मेरे पति को इस घर से छीन लिया क्या और उसके बाद संपत्ति से अधिकार?
मैं चाहती थी कि मेरे पति का खोया हुआ अधिकार सिर्फ मेरे बेटे कृष्णा को मिले, और उसका अधिकार बांटने वाला और कोई नहीं। इसलिए मैं तोरल के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बार बार विदा कर गई। मैं चाहती थी कि इस घर की सत्ता पहले मुझे और मेरे बाद मेरे कृष्णा बेटे को मिले। मैं वो सब कुछ चाहती थी जो मेरे पति अर्जुन को नहीं मिल सका, और मैं कामयाब भी हो गई थी। मैं कामयाब अगर उसने मेरी अंगूठी उस मंदिर में ना गिरी होती। और जब पापा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि केदार के साथ कोई घर का इंसान मिला हुआ है और उनके पास एक निशानी भी है, तो मैं डर गई थी। उस रात अपने कमरे में आकर मैंने बहुत सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी निशानी हो सकती जो पापा के हाथ लग गई है। और तभी मेरी नजर अपने हाथ पर पड़ी जिसमें से पा की दी हुई अंगूठी गायब थी। मैंने अपनी अंगूठी हर जगह ढूंढी, अंगूठी नहीं मिली। और फिर मुझे एहसास हुआ कि हो ना हो जो निशानी मंदिर के पास पापा को मिली थी वो मेरी अंगूठी होगी। तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आई, मुझे पता था कि मुंगी के पास भी एक वैसी अंगूठी है। इसलिए रात जब मुंगी कारखाने में गई थी मैं चुपचाप नाना जी के घर गई और वहां जाके मैंने अंगूठी बहुत ढूंढी। तब जाके मुझे अंगूठी अलमारी में मिली और वो लेकर मैं आ गई। सुबह जब पापा ने सबको अंगूठी दिखाने को कहा तो मेरी अंगूठी मेरे पास थी, पर मैंने ही कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ मूंगी के ऊपर आ जाएगा। मैंने ही कभी नहीं चाहा था कि मूंगी फंसे इसमें। ऐसा हो गया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया मेरे बेटे कृष्णा के लिए, अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए। अब इसके बाद आपको जो सजा देनी मुझे मंजूर, पर मैं अपने आप को गुनहगार नहीं मानती। अपराधी है तू, मैंने तू एक नहीं अनेक अपराध किए। सबसे पहला तो मेरे दिखरे के अजन्म में संतानों को मारा, बीजी बात जब मेरे हाथ में निशानी आई उसके बाद भी तू मौन रहे, अरे तीजी बात तेरी बहन पे आरोप लगा पर फिर भी तू मौन रही। अबे तेरे अपराध का दंड तुझे दिया जाएगा, पर इस बार इस बात पे निर्णय मैं नहीं, करमपुर का छोटा मालिक नितेन मैयावंशी करेगा, क्योंकि तेरे कारण इसने अपनी संतान खोई है। और यह निर्णय हो उससे पहले रुपये के लोभ में किया ना तूने ये सब, अबे आखी रकम तुझे लौटानी पड़ेगी। इतना माटे मैंने निर्णय लिया है कि तू खेतों में काम करेगा, दिन में जोतेगा ने रात को रखवाली करेगा, आखी रकम लौटाएगा। जरा ध्यान रख जो के भाग ना जावे, ले जाना ये दिख रहा है। पर अवे तू उचित निर्णय है। Bye.
समझती हो तुम क्या सोच रही हो? तुमने मारा मेरे बच्चे को? क्यों? पैसों के लिए? अरे मुझसे कहती कर देती अपना सारा हिस्सा तुम्हारे नाम। हर बार तुम्हारे दुख में मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली माना, तुमने मार दिया मेरे बच्चे को। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, कहती ऐसा तुम मत करो। इतने किए का दंड करूंगी। क्यों मारा? मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगा, वो बहुत बुरी है। बोलो ना माँ, उन्होंने आपको क्यों मारा? मैं भी जाकर उनको बोलता हूँ कि वो बहुत बुरी है। चल ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती। तुम जानती हो अगर ये फिल्म की सिचुएशन होती ना तो लड़का लड़की से कहता कि अपनी मुश्किलें मुझे बता दो, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। लेकिन मैं ये नहीं मानता, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि किसी भी चीज को होने के लिए ना एक्सरसाइज की जरूरत होती है। फिर चाहे वो तन हो या मन, तो अपनी जुबान की एक्सरसाइज करो और मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या। बताऊंगी क्या हुआ। I know you must be feeling really bad. Please चुप हो जाओ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो, रोना बंद करो। मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। Trust me। पर तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोना बंद करो। देखो, क्यों रोने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो। रोना बंद करो। सर ये तुम क्या कर रहे हो? रोना बंद करो। I said stop crying। ये रिक्वेस्ट नहीं है, धमकी है। You understand? और अगर तुमने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं देखो, मेरी धमकी से तुम्हारा रोना बंद हो गया। मेरी धमकी कहीं तो काम आई। कल से काम पर आ जाना।
ये घर तुम्हारा है क्या? मतलब? नहीं, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे ये जगह तुम्हारी है। देखो, ना तो ये तुम्हारा घर है और ना ही तुम्हारा ऑफिस, और ना ही मूंगी तुम्हारी एम्प्लॉई। और वैसे भी मूंगी को तो तुम काम से निकाल ही चुके हो, तो अपनी जॉब और अपनी तशरीफ दोनों लेकर यहाँ से चलती बनो। मैंने तुम पर शक किया, मुझसे गलती हो गई, ओके? नहीं मैम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? गुड, तो फिर कल से काम पर आ जाना, समझी? नहीं मैम, आई एम सॉरी, पर मैं काम पे नहीं आ पाऊंगी। जो संतु बहना और खेमी बहना ने आप लोग के साथ किया है, उसके बाद मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहूंगी। ठीक है, मेरे कंपनी में 5,000 एम्प्लॉयज हैं, अगर एक नहीं आएगा तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वेट अ मिनट, मुंगी काम पे आएगी। क्योंकि तुम्हारे ये कह देने से कि मुंगी काम पे नहीं आएगी, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही तो यह कि तुम्हें फर्क जरूर पड़ेगा। और ये तुम्हारी कंपनी के लिए लॉस नहीं, बल्कि मुंगी का टैलेंट वेस्ट ना हो, इसीलिए वो काम पर आएगी। सारे की तुम क्या कह रहे हो, मुझे काम पे जाना ही नहीं है। मुंगी, तुम काम पर जाओगे, किसी और के लिए ना सही, मेरे लिए। बोलो जाओगी ना? अब तो शू थी गयो सुभद्रा, तू तो आए ना ऊपर ईश्वर के पास, जरा पूछ उसको, ने मुझे बता कि ऐसा कौन सा अभिशाप लगा इस परिवार को, जो इसी परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्राण के प्यासे हो गए। क्या विचारा था तूने? इस परिवार की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का नंजो धूल में पड़ा हुआ तेरा परिवार। ये परिवार बिखर गया है मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए कि ये सब मेरी बहन ने किया। मालिक ने बहुत कुछ किया है इस घर के लिए, पर इसमें मालिक भी जिम्मेदार है। अगर मालिक इस परिवार से दूर ना रहते तो ऐसा नहीं होता, ये परिवार नहीं बिखरता। और एक बात कहूं, इसमें मेरी भी भूल है। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य मैं हूं, इसलिए मैं भी इस अपराध में भागीदार हूं, मैं भी दंड का पात्र हूं। भूल मेरी भी है, पापा। अरे बस, खड़े तो वो लोग होते ने जिनसे भूल हुई हो, अने जो क्षमा मांगना चाहते हो, एकला माटे तू बेस ने मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे क्षमा मांगनी है तुझसे। मने एवं लागे छे के घर का सबसे बड़ा सदस्य होने के बाद भी मैं अपना दायित्व नहीं निभा पाया हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू मुझे दंड दे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, जो सत्य है वो बोल रहा हूं। अबे जो ने इतने वर्षों में कितने लोगों के साथ न्याय किया, दंड दिया, पर हवे मुझे न्याय करने का कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अपने वचन का पालन नहीं कर सका। मैंने तेरे पिताजी को वचन दिया था ना मैंने कि इस घर में तो सुरक्षित रहेगी, सुखी रहेगी, मैं अपने वचन का पालन नहीं कर सका दिखरा। इतना माटे मेरी इच्छा है कि तू मेरे को दंड दे, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं,
ठीक है पापा, मैं आपको सजा दूंगी। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।